का क्या इतिहास रहा है, आइए जानते हैं इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। भारत के कई पुरातन ग्रंथों में समलैंगिकता का जिक्र मिलता है, हालांकि इन्हें मान्यता के तौर पर कहीं नहीं लिखा गया है और ना ही इसका विरोध जिक्र मिलता है। इतिहास पर यदि नजर डालें तो भारत में सदियों से समलैंगिक संबंधों का सबूत मिलता रहा है। कुछ ग्रंथों रचनाओं में भी समलैंगिकता का जिक्र किया गया है, लेकिन मान्यता के रूप में यह कहीं भी अंकित नहीं है। प्रसिद्ध मानव शास्त्री मार्गरेट मीड ने तो यहाँ तक दावा किया था कि आदिम समाज में भी समलैंगिकता प्रचलित थी। रोम के शासक नीरो ने तो दो समलैंगिक शादियां की थी और ऐसी शादियों को यूनान भी इसे मान्यता देता रहा है। यदि भारत की बात करें तो यहाँ भी सदियों से समलैंगिक संबंधों का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद की एक ऋचा में विकृति एवं प्रकृति को समलैंगिकता के प्रति सकारात्मक नजरिए का प्रतीक माना जाता है। एक तरह से देखें तो महाभारत से लेकर वात्स्यायन के कामसूत्र रचना तक समलैंगिक संबंधों का जिक्र मिलता है। हालांकि इनसे कहीं भी समलैंगिकता को मान्यता दिए जाने का जिक्र नहीं है, लेकिन कहीं भी इनका विरोध भी नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सभ्यता की शुरुआती दौर में यह सामान्य बात थी, लेकिन धीरे धीरे यह वर्जनाओं में जकड़ती चली गई। प्रसिद्ध गणितज्ञ के तौर पर पहचाने जाने वाले ब्रह्मिहिर ने अपने ग्रंथ बृहज्जातक में लिखा है कि समलैंगिकता पैदाइशी होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। अगर आप देखेंगे तो खजुराहो के मंदिर में बनी छवियों में भी समलैंगिकता की छाप नजर आती है। मध्यकाल में सूफी कविताओं में भी समलैंगिक संबंधों की छाप देखने को मिलती है। मसलन मध्यकाल में सूफी कवि सेफी ने अपनी फारसी कविता में लिखा है कि किसी की जिंदगी तभी होगी पूरी और कामयाब, पास हो सुंदर लड़का, अच्छी शायरी और किताब। नवाबों के समय में भी समलैंगिकता का चलन था। नवाब आसफुद्दौला की एक रिपोर्ट ब्रिटिश इतिहासकार रोसी लेले वेलन जोन्स ने उस समय के गवर्नर को भेजी थी। इसमें कहा गया था कि किनवाब आसफुद्दौला के समलैंगिक होने की वजह से कई वर्षों तक उसकी रानियां कुंवारी रही थी। समलैंगिकता की कहानी सदियों पुरानी है। यह मेसोपोटामिया से लेकर प्राचीन यूनान, जापान, चीन और अन्य सभ्यताओं तक फैली है। ए हिस्ट्री ऑफ द वाइफ में जिक्र है कि दूसरी और तीसरी सदी में समलैंगिक शादियां आम थी, हालांकि धीरे धीरे ये वर्जनाओं में कस्ती गई और अपराध की श्रेणी में शामिल हो गई। फ्रांस पहला ऐसा देश था जिसने इन वर्जनाओं को तोड़ा और समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों में भी इसे अपनाया गया। कानूनी तौर पर देखें तो भारत में समलैंगिकता को सामाजिक तौर पर भले ही गलत माना जाता रहा हो, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें कोई बाधा नहीं थी। भारत में समलैंगिकता पर पाबंदी 1861 में लगी थी, उससे पहले भारत में नहीं थी कानूनी तौर पर कोई भी पाबंदी। ब्रिटिश शासन के दौरान यह आदेश लगाया गया था और धारा 377 के तहत कानून बनाया गया था कि समलैंगिक शादियां समाज के लिए एक अपराध हैं, फायदेमंद नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। सरकार की ओर से जो दलील थी उसमें कहा गया कि शादी एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें बायोलॉजिकल पुरुष महिला और बच्चे हैं, इनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सरकार ने यह भी दावा किया है कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से पर्सनल लॉ के सिस्टम में उथल पुथल मच जाएगी। वहीं याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि हम पिछले कई साल से कपल की तरह रह रहे हैं, इसलिए हम शादी करना चाहते हैं, तो गलत क्या है? खबर बब्बर ने रहने के लिए धन्यवाद। अब मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। शब्बा खैर।